हेलो एवरीवन, आगरा में बहुत सर्दी पड़ रही है। कुछ मेरा लग्नेश वक्री है कि मुझे सर्दी लगती ज़्यादा है, लेकिन चैनल तो चलना ही है और लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है अपने एनालाइज को लेकर। तो आज लेते हैं अगला पार्ट। सबसे पहले है 11/8/1994, जॉब प्रॉब्लम, 2:30 PM सूरत। देखिए, 6 लॉर्ड 8th हाउस में अगर होता तो मैं हर किसी को कहती आप लोगों से बच के रहो, क्योंकि लोग ही आपका बुरा करेंगे। एक बोलते हैं ना कंजंक्शन, कि मैं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, मतलब प्रोबेबली क्या बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी आता है तो उसको ये वहम हो जाता है। तो मैं कहती नहीं, आपकी वो कंजंक्शन ही नहीं है। ये कंजंक्शन ऐसी है जहाँ पर अगर कोई तांत्रिक क्रिया कराता है तो इस बंदे पर जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। आपके वो कंजंक्शन है। आप देखिए, मैं ये नहीं कह, क्योंकि बिना पब्लिक के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो बैलेंस लेके चलना है, ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना। आपके रेयर कॉम्बिनेशन है जॉब के, और आपकी जॉब लग रही है 2022 में। तो देखिए, किसी भी बच्चे का 2 साल घर बैठना, मैं खुद माँ हूँ, तो मेरे बेटे की आप समझ लीजिए 6-7 महीने से जॉब नहीं लगी, तो मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। और ये मत समझिए कि कोई एस्ट्रोलॉजर है उसके पास कोई चमत्कार होगा, जैसे आप बच्चे हो ऐसे ही, मतलब किसी में ये ताकत नहीं कि कोई जाके प्लेनेट को चेंज कर सकता है या डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, अगर वो खुद एस्ट्रोलॉजर है तो भी। तो मैं हर बच्चे की टेंशन लेती हूँ, लेकिन आपको अभी मान लीजिए कोई भी जॉब मिल रही है, आप जॉब ले लो, उसके बाद आपका स्थान परिवर्तन, यानी वो लोग ही आपको प्रमोट करके कहीं भेज देंगे, तो वो प्रमोट करेंगे आपको 25/12/2021 के बाद। तो अभी जो जैसी मिल रही है, कम सैलरी की मिल रही है, आप ले लो, लेकिन आपकी जॉब जो एक्टिव हो रही है वो 2022 में हो रही है। आगे चलते हैं, 6/11/1966 टाइम, 5:07 PM प्लेस मुंबई, हेल्थ इश्यूज। देखिए, 5/2/2020 से आपकी महादशा चेंज हो रही है, शनि की महादशा आ रही है। तो अब 19 साल के लिए लंबी बीमारी है आपकी, क्योंकि शनि को सिर्फ बीमारी और दुख देना आता है, तो वो एक्टिव होने वाले अब कुछ भी नहीं है, सॉरी आपके लिए। तो आपके अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो आपका जो मंत्र बन रहा है ओम कार्तिकेय नमः, अग्नि तत्व राशि का मंत्र है, इसकी आपने एक माला रोज़ करनी है। लेकिन मैंने क्या बोला है कि अभी इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, तो उसके लिए अभी से आप जाप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैंने बोला, जो भी सूर्य के घर में जाएगा उसका कारक तत्व चला जाएगा। आपका लग्नेश है, बॉडी का मालिक मंगल कहाँ है? सूर्य के घर। आपको अपनी बॉडी का सुख नहीं है। बॉर्न टू चीज़ें बताती हूँ मैं, लेकिन अब तो शनि एक्टिव होने जा रहे हैं, तो 10/11 होके सीधा 12th हाउस में बैठे, लंबी बीमारी दे रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप अग्नि तत्व राशि का मंत्र लीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मंत्र एक कवच बना देता है। मैं ये नहीं कहती 10 उंगली खानी है, 10 से आप एक तो खाओगे, लेकिन 9 ये मंत्र रोक लेगा, बस इतना फर्क आएगा। तो ये आपने मंत्र करना है। आगे चलते हैं, 1/1/1995 टाइम, रात्रि 8 बजे, चिरकोला कला उज्जैन। मेरी जॉब नहीं लग रही। देखिए, आपका कर्क लग्न है, लग्नेश ही 6th हाउस में है, तो मेहनत का कितना मिलेगा? 1 रुपया। 10 रुपये की मेहनत करोगे, 1 रुपया मिलेगा। और कर्क लगन वालों को मेरा इतना कार्मिक अकाउंट है, सारे कर्क लगन के चार्ट ही आते हैं। तो आपकी जॉब लग रही है 27/5/2020 से। देखिए, आपकी भी रेयर कॉम्बिनेशन है, तो आप एक बार अगर जॉब लग गई फिर आपने छोड़नी नहीं है, ये आप समझ लो। फिर जॉब लगनी आपकी बड़ी मुश्किल है, और मैं सिर्फ अलर्ट कर सकती, किसी को बदल नहीं सकती, बदलना आप लोगों ने है, तो मैं तो सिर्फ अलर्ट कर सकती हूँ। आगे चलते हैं, 26/8/1994, 17/3 राजकोट गुजरात, बिजनेस प्रॉब्लम। देखिए, 2 प्लैनेट आपको दे रहे हैं, साथ लेके जा रहे हैं, तो आपका बिजनेस ऑलरेडी लॉस्ट में है। तो डू जॉब आपके लिए सॉरी, क्योंकि बिजनेस आपका कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकता। इसके लिए पीछे स्ट्रेटजी ये अपनानी पड़ती है, जिसमें फिर किसी की घर में बहुत स्ट्रांग कुंडली हो ना, कि 7 प्लेनेट देने आए, 2 लेके चले जाएं, तो मैं उसके कहती हूँ उसके नाम से बिजनेस करो। लेकिन आपने अगर अपने नाम से करा है तो आपके लिए सॉरी, बिजनेस में आपका सॉरी। आगे चलते हैं, 15/5/1992, 8:20 PM सूरत।
करियर और फॉरेन सेटलमेंट। सबसे पहले करियर में आपने क्या करना है, बिजनेस या जॉब, तो आपने जॉब करनी है। फिर आपका फॉरेन सेटलमेंट का रहा है जो योग बना हुआ है, 2/1/2019 से लेकर 24/7/2000 के बीच में आपने फॉरेन का सोचना है। और तीनों दिग्गज प्लैनेट चेंज हो रहे हैं 2020 में, शनि 25 जनवरी को, 30 जनवरी को, 30 मार्च को गुरुदेव हो रहे हैं, और राहु चेंज हो रहा है 22 सितंबर को। तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है अगले साल, जब तीनों त्रिकोण डेस्टिनी, कर्म और इच्छा ने जो दोनों क्वेश्चन पूछे उसका जवाब मैंने दे दिया है। तो हमारे 5 चार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको पता है कि सर्दी भी बहुत पड़ रही है और कुछ मुझे ज़्यादा लगती है, मतलब लोगों को 1% लगती है तो मुझे 30% लगती है लेकिन मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। रीजंस मुझे 2009 के बाद पता चले कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई थी तब, उसके बाद आप में आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मत से लिख कर भेजिए, लेकिन भेजने के बाद आपने दो चीज़ें करनी है, एक पेशेंस रखना है, क्योंकि जिसका अगर चार्ट पहुंच गया लेकिन उसमें आपने ज़रा सी भी लापरवाही करी कि AM PM नहीं लिखा, खाली गांव का नाम लिख दिया, स्टेट नहीं लिखी, मैंने चार्ट नहीं लेना उसका, थोड़ा सा आप अपनी लाइफ के मैप की प्रिडिक्शन करवा रहे, थोड़ा सा आप लोग सिंसियर हुए, सीरियस हुए, क्योंकि कोई कोई किसी किसी की अप्रोच होती है सच तक, उसके बाद उस सच को इम्प्लीमेंट करना, उसका रिजल्ट देखना। इतना लंबा प्रोसेस है, ज्योतिष जोड़ नहीं है, मेरे से हो सकता है कभी गलत प्रिडिक्शन हो जाए और हुई भी है 2-3 बार, लेकिन हमेशा मैं सोचती हूँ वहीं से फिर जर्नी शुरू होके सच तक पहुँचना है। ये सच की जर्नी मैंने आप लोगों के लिए शुरू करी है, लेकिन आप पेशेंस ही नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं और मैं वीकली 15 चार्ट ही अपलोड करती हूँ, यानी 15 चार्ट ही अपलोड करती हूँ, और क्योंकि आप इतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं ले सकते हैं, हफ्ता तो मुझे ठीक होने में ही लग जाता है, तो आप लोग पेशेंस रखिए। जिसका चार्ट एक बार जीमेल में पहुंच गया, अपलोड तो होना ही है, लेट सवेर हो सकता है, और मेरे चैनल को आप लोग शेयर करिए, एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए, जिसका भी मैंने मैसेज दिया आज तक, जिसका भी अच्छा हुआ है, 700-800 में से अगर एक का भी अच्छा मैंने करा है या मैसेज सही दिया है, तो आपको पता है उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है। यहाँ कोई मेडल के लिए युद्ध नहीं हो रहा कि मुझे कोई मेडल चाहिए, बस मेरे को चुना गया है, मैं वो रोल ही अच्छा कर लूँ तो वो बढ़िया है। सो, उसके लिए मुझे एक सोशल सपोर्ट चाहिए, बिना सोशल सपोर्ट के आपका चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें आप लोगों का पार्ट यही देखिए, अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मैसेंजर में लिख देते हो, या मैं जहाँ पिक अपलोड करती हूँ वहाँ लिख देते हो, या जाकर मेरे पेज पर लिख देते हो, इंस्टा पर लिख देते हो, स्नैपचैट पर भी लिख देते हो, अपना कहीं भी लिख देते हो जहाँ आपको सहूलियत है, तो मैं किसी का भी चार्ट नहीं लूँगी। आपको सिंपल एक बोला गया है कि यूट्यूब के चैनल कमेंट्स पर लिखिए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज अदर ब्लॉगर्स ने इतना कुछ लिख रखा, मैं भी तो पढ़ पढ़ के यहाँ तक आई हूँ, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ी हुई थी, इस एज में आकर मैं इतना पढ़ती हूँ, क्योंकि देखिए चैनल को चलाने का मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मैं डेली सुबह 5-5 बजे तक पढ़ती हूँ, इतना एडिक्शन है मेरे अंदर। तो ये कमेंट करना क्या है, अगर आपको व्हाट्सएप चलाना आता है, गूगल चलाना आता है, फेसबुक चलानी आती है, मैसेंजर चलाना आता है, तो कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी हम पढ़ के कर सकते हैं। सिर्फ जीमेल आईडी होनी चाहिए, तो जीमेल आईडी सबकी होती है, इजीली फेसबुक है, बस उसको कनेक्ट करना है यूट्यूब से, कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ मैं रखूँगी कमेंट बॉक्स का ही, तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इधर उधर लिखने से क्या होता है कि कभी AM PM में गलती हो जाती है, टाइम में गलती हो जाती है, तो फिर वो प्रिडिक्शन ही गलत हो जाती है, फिर सब एस्ट्रोलॉजी पे बोलते कि एस्ट्रोलॉजी तो बेकार है, इसकी प्रिडिक्शन बेकार है। और एक बात और कि मेरा लाइव आना फेसबुक पे सक्सेसफुल रहा, कि जिस चीज़ को मैं लेके चल रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े, तो मैं दोबारा लाइव होंगी 26 जनवरी को। ऐसा इसलिए कि 25 तारीख को शनि ट्रांजिट हो रहे हैं, तो 26 को मैं लाइव टेलीकास्ट करूँगी। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है उनके लिए, खासकर जिनको कमेंट बॉक्स में नहीं भेजना आता उनके लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अगली बार मिलते हैं अनादा इस पार्ट में, बाय।